हेलो गाइस, जैसे कि मैंने ये फ़ोन मंगाया था सैमसंग का S20। मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था ये, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज थे, तो फिर मैंने उसको रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाला था, तो उन्होंने बोला था कि आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो ये दूसरा फ़ोन आया है अमेज़ॉन से, वही सेम, लेकिन जो पहले वाले फ़ोन में इशू थे फ्रंट कैमरा में और हीटिंग इशू था इसमें। फ्रंट कैमरा की जो इमेजेस थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई होके आ रही थी, जो अननेचुरल लग रही थी, और ये फ़ोन मैंने सिर्फ 15 मिनट ही यूज़ किया था, उसमें ये हीट होने लग गया था। तो फिर मुझे लगा इतना कॉस्टली फ़ोन है और ये इतनी जल्दी हीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसमें भी सेम यही दिक्कत आई है, इसमें भी इसका फ्रंट कैमरे में बहुत ब्यूटीफाई होके आ रहा है और हीटिंग इशू इसमें भी है। तो फिर मैंने दोबारा से कस्टमर केयर से बात की है, तो उन्होंने एक ऐप बताया था ब्लैंको करके, ये ऐप है, इसमें उन्होंने बताया था, इसे एक डायग्नोस ऐप है जिससे कि आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है उसका ये चेकअप करता है। तो इसमें जो हमारा प्रॉब्लम थी एक तो फ्रंट कैमरे में, वो इसमें शो हो गया था, तो फिर इसलिए उन्होंने हमारी जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली और हमारा रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया है। तो होपफुली कि हमारा रिफ़ंड जल्दी मिल जाएगा हमें और ये फ़ोन भी वापस हो जाएगा। तो गाइस, मैं यही बोलूँगी कि आप जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सोच समझ के फ़ोन चूज़ करें, क्योंकि ये सच्ची में एक फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, ये सिर्फ आपको एक झांसा दिया जा रहा है ऑफ़र्स के नाम पर। ये फ़ोन सच में कंपैटिबल नहीं है एज अ प्राइस का देखा जाए तो, प्राइस के हिसाब से फीचर्स नहीं है, और इसका तो अनलॉक वाला जो इसका फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही स्लो है, मतलब ये 10-12 हज़ार के फ़ोन में भी वो इतना फास्ट होता है, इसमें इतना स्लो है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये फ़ोन ना ही बाय करें तो अच्छा है। थैंक यू।